फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप हम लोग बॉटल आर्ट करने लगे हैं। दुनिया में बहुत सारे बॉटल आर्ट आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन शायद ऐसा तो नहीं देखा होना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। मैंने जो है वेस्ट बॉटल्स रखी हुई थी, कब से रखी हुई थी, तो आज इनकी शामत आ ही गई है। तो चलो बनाते हैं बॉटल आर्ट। और सबसे पहले जो है हमने इस पे पेपर टेप लगाई है, जितना हमने इसका कवर करना है वाइट एरिया उस हिसाब से हमने टेप लगाई है। तो सबसे पहली बात, हम लोग वाइट एक्रेलिक कलर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा थिक जो है लगेगा तो इस पर स्ट्रोक्स बनेंगे। तो आप लोग थोड़ा पानी ऐड करके इस पर लगाएं। एक्रेलिक कलर का यही फ़ायदा होता है कि आपके कलर्स जो हैं बहुत जल्द से जल्द सूख जाते हैं। तो हम लोग एक्रेलिक ही यूज़ करेंगे इसके ऊपर। हमने एक बॉटल को कर लिया, दूसरे को भी कर लेंगे। अगर आपके अंदर का ब्लैंक एरिया जो है अगर नज़र आ रहा है तो आप इस पर एक और थिन कोट करें, बिल्कुल थिन सा। उसके अलावा हम लोग अब करेंगे इसका लोअर पार्ट। तो इसके लिए हमने रेड कलर यूज़ किया, रेड नहीं आई थी, ये मेहरून है, कैमरे में थोड़ा सा रेड लग रहा है। तो आप लोग इसका मेहरून कलर यूज़ करें, या आपको जो पसंद है आप वो वाइट के साथ कंट्रास्ट करके कर सकते हैं। तो अब हम इसको नीचे से रेड कर रहे हैं, वैसे इसके साथ येलो भी अच्छा लगेगा, ऑरेंज भी अच्छा लगेगा, ब्लू भी अच्छा लगेगा। तो आपको जो आपकी पसंद है आप वो करें। उसके बाद जो है हम इसको दोनों बॉटल्स को सेम जो है कलर करेंगे नीचे से। वैसे आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये कलर अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, या मुझे इसकी जगह कोई और कलर करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट बॉटल आर्ट पे हम वही कलर करेंगे जो आप लोग मुझे कहेंगे। तो जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। और ये रात को मैं बॉटल आर्ट कर रही थी, मुझे भूख लग गई तो मैंने मैगी बनाई थी। आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। हमारी दोनों बॉटल्स जो हैं सूख चुकी हैं, तो अब हम इस पर फ्लावर्स का काम करेंगे। सो फ्लावर्स बनाते हैं। इसके लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर, रेड, और अब हमने रेड कलर लिया। पहले हमने मेहरून लिया था, अब हमने रेड कलर लिया है और गोल्डन लिया है। गोल्डन से उसमें थोड़ी अच्छी सी शाइन आएगी। तो अब हम इसको पहले अपने हाथ पे या किसी पेपर पे बना के देख लेंगे कि हमारे ये लाइंस कैसी आ रही हैं, शेप, कलर सब चेक कर लेंगे, हमारे फिंगर्स से अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, स्किप ना करें। बॉटल आर्ट्स बहुत तरीकों का होता है, तो लेकिन मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, तो हम लोग फ्लावर्स का ही करेंगे। वैसे ये बॉटल जो है वेस्ट थी, मिल्क बॉटल है, आप लोग कोई भी बॉटल ले सकते हैं। वैसे ग्लास बॉटल जो है ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी उसकी कोई अच्छी सी शेप हो तो उस पर आप कलर करें, ज़्यादा अच्छी शेप और बहुत ही यूनिक सा लगेगा। तो गाइस देखते जाएं इसमें कैसे कैसे लाइंस आ रही हैं, कितने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, और इसमें गोल्डन भी, लाइट सा गोल्डन भी टच आ रहा है, गोल्डन से इसमें शाइनिंग वाली लाइंस आ रही हैं, वाइट, गोल्डन एंड रेड, बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट है। अच्छा, एक बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आपका ऊपर वाला पार्ट वाइट हो, नीचे वाला ज़्यादा डार्क कलर में हो, और जो बीच में आप फ्लावर्स बनाएंगे वो आप थोड़े से हाईलाइट कलर्स के हों या फिर लाइट शेड में हों, ताकि वो ज़्यादा नुमाया हो। अगर आप लोग फ्लावर्स डल कलर के बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आपका लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा डार्क शेड में हो और ऊपर वाइट हो। चलें, हमारे फ्लावर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग कमेंट में भी बताएं कि आपको ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, और मुझे इसके अलावा कौन से कलर के फ्लावर्स बनाने चाहिए थे। बॉटल को पूरा ड्राई करके आपने इस पर काम करना, वरना इस पर से कलर बिल्कुल हट जाएगा, आपके हाथों पे लग जाएगा। तो फाइनली हमारे फ्लावर्स भी रेडी हो गए, दोनों बॉटल्स पे हमने बना लिए फ्लावर्स। अब हम येलो कलर लेंगे और साथ ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क शेड और ब्राउन कलर लेंगे। चलें, अब हम इसका इनर पार्ट बनाएंगे। इसमें ब्रश का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको ऊपर से टैप टैप करना है ताकि इस पर जो अच्छी सी शेप आए। ब्राउन शेड ले लें या फिर ब्लैक ले लें, आप कोई भी कलर यूज़ कर लें। वैसे ब्राउन ज़्यादा सही लग रहा था, इसलिए मैंने भी ब्राउन यूज़ किया है।
हम दोनों बॉटल्स को सेम इसी तरह कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे लीव्स बनाएंगे। लीव्स आप लोग ने ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे वाले हिस्से पे जो है लाइट शेड के लीव्स बनाने हैं और ऊपर जो है आपने थोड़े डार्क में बनाने हैं, क्योंकि नीचे पहले ही आपका डार्क शेड है, तो आप लोग नीचे इस पर लीव्स जो हैं लाइट शेड में बनाएं। वैसे मिक्स करके भी बना सकते हैं ताकि उसमें अच्छी सी लाइन्स आएँ। दोनों कलर्स को आपने मिक्स करके बनाना है ताकि उसमें शेड आए, कुछ रियलिस्टिक लगे, और ऊपर आप डार्क शेड में बनाना है। चलें, जब तक लीव्स बन रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी बॉटल्स कैसी लगी हैं और मुझे किस टाइप की और बॉटल्स बनानी चाहिए। बहुत से डिज़ाइन होते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको कौन सी बनवानी है, या कुछ डिज़ाइन आपको जो पसंद है आप मुझे बताएं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरा जो पेंटिंग का वर्क है वो मैं सेल करती हूँ, आप लोगों ने मुझे किसी ने कमेंट में नहीं बताया कि आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा पसंद आई है, और ये बॉटल्स वगैरह या और भी चीज़ें अगर आप लोगों ने बनवानी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। लीफ से हम इसको अच्छे से फिल कर लेंगे, जो हमारा बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक एरिया लग रहा था, खाली खाली सा, तो हमने लीफ से बहुत ही अच्छा सा इसको बना लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी बेलें बनाएंगे, जो अभी भी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है वहाँ पे, और इसको बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी एक बेलें बना के। नीचे आप लोगों ने लाइट कलर यूज़ करना है, आप ये ध्यान रखिएगा, वरना आपका बिल्कुल एक डल हो जाएगा। ऊपर आपने डार्क शेड यूज़ करना है। सो फाइनली हमारी बॉटल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रेड और वाइट का टच देंगे। इसको बिल्कुल ऐसे ही उठा के नहीं लगा लेना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि आपके स्ट्रोक्स ना बने या शेप अच्छी आए। कलर लगाएं तो अच्छा लगे, वरना आप ऐसे ही लगाएंगे तो बहुत ही ठीक ठीक अजीब सा लगेगा। ब्रश के पीछे वाले साइड से हम इस पर डॉट लगा लेंगे। देखें, इससे भी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। ऊपर हमने रेड लगा लिया, नीचे हम वाइट टच देंगे। दोनों बॉटल्स पे सेम ही काम करेंगे। अब हमने एक पे कर लिया, अब सेकंड पे भी कर लेंगे साथ साथ। तो इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर बॉटल्स ड्राई हो गई, अब हम इस पे लेकर का स्प्रे करेंगे। दोनों बॉटल्स पे अच्छा सा शाइन आ गई है लेकर से। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।